राजकारणी सोने चंद देख रहे हैं साथ देखिए कि दो साल से जो शारीरिक मोदी हो नीतीश कुमार है सब भाषण में सबका एक ही बात होता है स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। क्या बिना शारीरिक शिक्षक के स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा जा सकता है? एक शारीरिक शिक्षक एक बात बताइए शारीरिक शिक्षक हट जाइए अन्यथा आपके विरुद्ध कोविड का जो है केस लगेगा या मान के चलिए प्रतिबंधित एरिया है आपको कोई नहीं बचाएगा। डंडा सैनिटाइज करके दे रहे हैं बिल्कुल आप जाइए डंडा सैनिटाइज करके भाग जाइए। सर हम लोग कर्जा लेके पटना आते हैं सर बात को समझिए सर सर बेरोजगारी को समझिए मैडम देखिए है कैसे शिक्षक अभियासी को कैसे पीटा है बीच सड़क में देखिए। हाँ हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन वो ऑल सब्जेक्ट का बैकबोन है अगर हम लोग को बहाना चाहिए स्पष्ट रूप से यही कहना है कि भुखमरी के शिकार हो चुके हैं हम लोग हमारा जॉब चाहिए हम लोग का क्यों एक मिनट 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया हम लोग जुटाते हैं और उसके बाद पैसा लगा करके कोर्स करते हैं। मैं रोहतास जिले से हूँ सर 2 साल से पास करके बैठी हूँ हम लोग को नहीं ले दिया जा रहा है सर हम लोग इतना हम लोग को हिंसा भी हो रहा है हम लोग के साथ आज आप पटना में भी सड़क पे उतरे हुए हैं। हाँ इसलिए कर रही है क्या कहेंगी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है हम लोग को डंडा मार रहे हैं जा रहे हैं मार रहे हैं मेरा एक मिनट देखिए मेरा नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि शारीरिक शिक्षक बहाली में ना ही किसी प्रकार का केस है सिर्फ एक एक ठोकर है हमारे बीच में वो है इच्छा शक्ति की हमारे शिक्षा मंत्री की इच्छा शक्ति की हमारे मुख्यमंत्री एक मिनट मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति की जिस देश में गुरु द्रोणाचार्य का इतना सम्मान होता है उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है उस भारतवर्ष में गुरु हम लोग भी एक गुरु के समान है हम लोग भी एक शारीरिक शिक्षक है हम लोगों का भी काम भी है कि एक अच्छे प्लेयर एक कुशल स्पोर्ट्समैन तैयार करना लेकिन क्या लाठी खा के हम लोग क्या बच्चों को सीख देंगे हम लोग लाठिया खा के हम लोग किए हैं। आज हमारा 29 वर्ष आयु है आज अगर हम ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या हम 40 वर्ष के बाद हम ज्वाइनिंग करके हम उस एफर्ट से हम काम कर पाएंगे? नहीं सरकार को चाहिए कि हम लोग जैसे युवाओं से काम ले और बिहार का नाम रोशन करे अच्छे बच्चे निकाले जी। तो आप देख सकते हैं ये सड़क तस्वीर मैडम कहाँ से आई हैं? जी बोकारो से जी हम लोग को नौकरी चाहिए और कुछ हम यहाँ भीड़ नहीं करना चाह रहे इकट्ठा बस हमें नौकरी दीजिए और हम अपना काम करें अपना योगदान दें यहाँ के लिए। अब मंत्री जी से हम शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक से अभ्यर्थी सब 3523 मिल के एक ही बात मांग करते हैं या तो नौकरी दीजिए नहीं तो आत्मदाह का आज्ञा दे दीजिए आपके काल में नौकरी अगर नहीं मिली तो आत्मदाह का आज्ञा दे दीजिए। अरे सब दे रहे हैं स्टूडेंट अध्यक्ष तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैडम क्या कहें कहाँ से आई हैं? रांची से आए हैं झारखंड रांची से आए हैं और अपने नियुक्ति लेने के लिए। आज क्या कहेंगे आप लोग के साथ जिस तरह से क्या कहेंगे आज? ये बहुत गलत तरीका है और हम लोग एकदम शांतिपूर्वक जा रहे थे और रास्ते में ही रोक के हम लोग को लौटा दिया गया जो कि 2 साल से हम लोग नौकरी का इंतजार कर रहे थे और लाठीचार्ज भी हुआ है सारे लोगों पे बिना मतलब के जबकि साथ जा रहे थे और हम लोग का 2 साल से रुका हुआ सब कुछ हो जाने के बाद भी हम नहीं दिया जा रहा है। मैम हम तो पटना से ही आए हैं। क्या कहेंगे आज? कहेंगे यही कि हम लोग को हक दिया जाए इस तरह से हम लोग को मारा पीटा गया बहुत लोगों को बुरी तरह से मारा गया पकड़ के ले गया तो हम लोग अपना हक नहीं मांगे हम लोग सबको अपना हक मांगने का है यहाँ पे हम लोग यहाँ शांति से हैं फिर भी मैडम सबसे बड़ी चीज सर मैं माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाहता हूं यही मांग करना चाहता हूं कि हमारी बहाली को जल्द से जल्द जैसे उन्होंने पूरा दम लगा दिया 94,000 और 33,000 शारीरिक शिक्षक के बारे में वो लोग तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। पिछले शिक्षा मंत्री बोल के रह गए हमारे प्राथमिक निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सर नेक्स्ट वीक इसके अलावा लगता है कुछ पढ़े ही नहीं है।
नेक्स्ट वीक के अलावा कुछ पढ़े ही नहीं है। कोर्ट भी आदेश दे दिया है। हम लोग कोई अनपढ़ नहीं है, हमने बहुत ही मेहनत करके डिग्री लिया है। आज ये स्थिति है कि हम लोग रोड पे आ गए हैं। देख सकते हो कि किस तरह से आज महिलाओं के साथ में भी जो पुलिस जो है वो लाठीचार्ज की गई है, और साथ ही साथ जितने भी जो शारीरिक शिक्षक हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतार चुके हैं और सरकार से लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे हक जो है हम लोगों को सरकार दे, और साथ ही साथ हम लोगों की जो है नियुक्ति किया जाए। देखने वाली बात रहेगी कि आए दिन जिस प्रकार से शिक्षक और सरकार के बीच में जो अभी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, एक तरह से कहा जाए अपने हक की लड़ाई के लिए जो आए दिन जो अपने संघर्ष कर रहे हैं, अब क्या कुछ आगे मोड़ लेता है। इस पर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।